मुंबई के कांदिवलीपुर की समता नगर पुलिस ने ऐसे तीन सातिर महिला चोरनी को गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में देवरानी और जेठानी हैं। ये सभी भांडुप से बोरीवली आकर चोरी कर फरार हो जाती थी। यह तीनों चोर महिला बस, ट्रेन और ऑटो में भीड़ का हिस्सा बनती थी और मौका देखते ही महिलाओं के पर्स से सोना, गहना और रुपयों को लेकर रफूचक्कर हो जाती थी। समतानगर पुलिस ने महज एक हफ्ते में चोरनी गैंग के तीन प्रमुख सदस्यों को भांडुप से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला चोरनी गैंग के पास से करीब 2.5 लाख रुपए के सोने की बिस्किट बरामद किए हैं। दरअसल समतानगर पुलिस में सितंबर के महीने में रोहिणी चंद्रकांत अखाड़े उम्र 38 वर्ष ने शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं ने उसके साथ बस में धक्का मुक्की की और उसके बैग से 55 ग्राम का मंगलसूत्र चोरी कर फरार हो गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर इलाके की सीसीटीवी खंगालने लगी। हालांकि सीसीटीवी की मदद से आखिरकार चोरनियों को भांडुप से गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम टीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। 5 सितंबर में एक औरत कंप्लेंट देने आई थी, रोहिणी चंद्रकांत अखाड़े। वो औरत घाटकोपर से अपने रिश्तेदार के इधर आई थी कांदिवली में, बांडोंगरी बस स्टॉप के इधर वो उधर रुकी थी। वहाँ से उसने रिक्शा पकड़ के वो अपने रिश्तेदार के इधर जा रही थी, तो रिक्शा में उसको पता चला कि उसके बैग में जो 5.5 तोले का मंगलसूत्र था वो नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद वो चौकी में कंप्लेंट देने आई, तो वो जिस बस से उसने प्रवास किया था वो आई थी, उस बस आगे जाके कॉम्प्लेक्स के इधर रुकी थी। तो उधर के हमने सीसीटीवी कैमरे की तहकीकात की, पूरा चेक किया, तो उसमें कुछ औरत उधर उतर के अपना जो साउथ बॉन्ड है, साउथ बॉन्ड से रिक्शा पकड़ के तुरंत पीछे जा रहे थे। तो हमने वो उनका सीसीटीवी का फॉलोअप लिया, पूरा फॉलोअप लेते 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 जिस रिक्शा से गए थे वो रिक्शा का नंबर निकाला, उसको ड्राइवर को उससे पास पूछताछ की कि उसको इधर उनको किधर छोड़ा, क्या किया। तो पहले तो वो आर्य चेक नगे के इधर गई, उधर से उन्होंने रिक्शा चेंज किया, उधर से दूसरा रिक्शा पकड़ा। तो आगे के भी हमने क्या मेरे चेक किए, तो आगे के भी जो रिक्शे वाला था उसको भी बुला के उसके पास पूछताछ किया, तो वो उसने बताया कि कुछ तीन औरत को उसने भांडुप में काजू टेकड़ी है, भांडुप में मंगलधरम पेट्रोलियम के पीछे काजू टेकड़ी है, उधर जाके उनको छोड़ा था। तो हमने उधर जाके वो एरिया के पूरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, वो किधर गई थी, क्या गई थी, कौन से ज्वेलरी शॉप में गई थी, क्या गई थी, सब पूरा तहकीकात करने के बाद हमको तीन औरत के नाम मालूम पड़े, जिनके नाम है अनुसया चंद्रकांत गायकवाड़, दूसरी है मारक्का लक्ष्मण गायकवाड़ मारूबाई, और तीसरी है बेबू रामू गायकवाड़। ये तीनों का ये इसमें उनका जो निष्पन्न हो रहा था, तो वो तीनों को हमने अरेस्ट किया है और तीनों के पास से वो पूरा जो 55 ग्राम का मंगलसूत्र है वो हमने हस्तगत किया है। हाँ, कुछ कुछ नाम पे एक दो सीआर दिखा रहे, अभी पूरा तहकीकात किया नहीं और जानकारी हम ले रहे। इनका ये चलता रहता है, कोई ट्रेन में, कोई बस में, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है उसमें जाके उनको मालूम है कि जो या पॉकेट या पर्स में सोना पैसा जो हाथ में मिले वो लेने का, वो उनका चलता रहता है, रिकॉर्ड किए वो हैबिचुअली।